जो लोग फीचर्स के शौकीन है ना, उन लोगों के लिए जो AX5 वेरिएंट है 3XO का, काफी बढ़िया यहाँ पे रहने वाला है। इसके अंदर में तीनों इंजनों की चॉइस आप लोग को मिल जाएगी, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन, 1.2 लीटर का TGDI टर्बो इंजन आप लोग को मिल जाएगा और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आप लोग को तीनों इंजन के साथ में ये मिल जाएगा। जो ये फिलहाल में वेरियंट खड़ा हुआ है डीजल इंजन के साथ में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक में AMT जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है, जो कि गुड़गांव हरियाणा में 14,85,000 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट करता है। अगर आप जल्द से जल्द महिंद्रा की कोई भी गाड़ियाँ अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको नीचे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस AX5 वेरिएंट में आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसा कंफर्ट जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है और क्यों है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है फीचर्स के शौकीन। गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने पर ना ये गाड़ी कोई भी आवाज नहीं करती है और जो ORVM से गाड़ी गई है आप लोग को इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी यहाँ पे मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी जो है जाहिर सी बात इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। और ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा कि जो इनकी 3XO आती थी उसका फेसलिफ्ट बोल लो या फिर इस 3XO को आप नई चीज बोल लो, वैसे तो 3XO का जो फेसलिफ्ट है कंपनी ने इसको यहाँ पे लॉन्च करा है 3XO के नाम से। और इस गाड़ी के अंदर में जो हेडलाइट यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है LED मिल जाती है, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स हैं ये और LED में गाड़ी के अंदर में इंडिकेटर्स मिलते हैं और जो DRLs हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे गाड़ी का जो टॉप एंड वेरियंट आता है ना उसके अंदर क्या है, नीचे भी आप लोग को LED लाइट का सेटअप मिल जाएगा, पर जो AX5 वेरियंट है इसके अंदर में ये चीज़ नहीं मिलेगी। इस वाले वेरियंट के अंदर में कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर या फिर 360° कैमरा भी नहीं मिलते हैं। लुक वाइज जैसे देखोगे तो फ्रंट लुक और जो बैक लुक है वो गाड़ी की चेंज है और जो इंटीरियर्स है उसके अंदर में भी आप लोग को मेजर चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो गाड़ी के यहाँ पे आप अलॉय व्हील्स देख रहे हो, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 205/65R 16 इंच के यहाँ पे टायर सेक्शन मिलता है। बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग को यहाँ पे फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। जो एक क्लैडिंग्स देख रहे हो ना, ये अपनी 3XO के मुकाबले यहाँ पे चेंज कर दी गई है। एक तो नहीं ये चीज़ ऐसी लगती है कि यहाँ पे इंडिकेटर देना चाहती थी पर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो इंडिकेटर्स है ना वो इसके ORVM से मिलेंगे, ORVM का डिज़ाइन यहाँ पे बिल्कुल सेम मिलता है। ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, बट पैसेंजर साइड में ना कोई आप लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं मिलता है। विंडो के नीचे क्रोम लाइनिंग भी नहीं मिलेगी और जो गाड़ी की रूफ रेल्स है वो आप लोग ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। पैनारोमिक सनरूफ जो है गाड़ी के अंदर में इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी, वही छोटी सी सनरूफ जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलेगी। शार्क फिन का एंटीना भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। पेट्रोल हो डीजल हो दोनों के अंदर में 47 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आ जाती है। बॉडी कलर्ड ही गाड़ी के अंदर में डोर हैंडल्स आएंगे, जो क्रोम वाले डोर हैंडल्स हैं ना वो इसके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में भी नहीं आते हैं और भाई वो क्रोम वाले जो डोर हैंडल्स हैं ना वो इतने अच्छे लगते हैं, जो बॉडी कलर्ड आते हैं देखने में वही यहाँ पे अच्छे लगेंगे। पीछे की तरफ में डिफोगर, वाइपर, हाई एम स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, ये सारी चीज़ जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। जैसे मैंने बताया ना फ्रंट प्रोफाइल और जो बैक प्रोफाइल है उसके अंदर में गाड़ी में यहाँ पे चेंजेस आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कनेक्टिंग वाली टेल लाइट भी जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाएगी। पीछे की तरफ में दो ही पार्किंग सेंसर आप लोग को मिलेंगे और जो कैमरा है वो भी आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लो आप इसकी टेलगेट को ओपन करने जाते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए, वैसे यूँ देखने में ना पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी की टेलगेट जो है कहाँ से ओपन होती है। ये देखो ये किया मैंने और फिर जो है यहाँ से इसको ओपन मैंने कर दिया। जो बूट स्पेस है ना पुरानी के अंदर में आता था 257 लीटर का बूट स्पेस, पर अब जो है इस गाड़ी के अंदर में 364 लीटर का बूट स्पेस हो चुका है और बूट स्पेस बढ़ने से ऐसा भी नहीं हुआ कि गाड़ी की जो सेकंड रो है उसके अंदर में भिचकुच सी हो गई हो, वो भी आप लोगों को कंफर्टेबल यहाँ पे मिल जाती है। पीछे की तरफ में पार्शल ट्रे जो है आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगी और स्पेयर व्हील की जो प्लेसमेंट है नीचे की तरफ में की गई है, जो कि स्पेस सेवर वाला ही यहाँ पे टायर मिलता है। पहले यूँ है मोटा सा देता पर अब क्या है बिल्कुल पतला सा ही जो है यहाँ पे टायर मिलेगा इसका स्पेस सेवर वाला और इसकी क्वालिटी तो भाई यूँ है मतलब ठीक आप लोग को मिल जाती है, और बेटर जो है ये चीज़ हो सकती थी पर यूँ है थोड़ी सी हल्की इसमें आप लोग को यहाँ पे क्वालिटी मिल जाती है। और जो इसके बैक में इंडिकेटर्स हैं ना वो भी आप लोग को यहाँ पे LED के अंदर में ही मिलते हैं, वैसे बंद होने में देखो पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे रेड हो जाता है। अब दिखाता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर्स में क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल जाती हैं। जैसे आप इस गाड़ी के डोर के ऊपर में देखोगे ना तो यहाँ पे तो जो है आप लोग को लेदर का यूज़ मिल जाएगा, बाकी हर एक जगह पे आप लोग को हार्ड प्लास्टिक का ही मिलने वाला है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के जो है स्विचेज मिल जाएंगे और ORVM के फोल्ड एंड अनफोल्ड के भी जो है आप लोग को कंट्रोल मिल जाएंगे। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री जो है आप लोग को इस वाले वेरियंट के अंदर में नहीं मिलेगी, बट हाइट एडजस्टेबल सीट जो है आप लोग को इस वाले वेरियंट के अंदर मिल जाएगी। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री जो है यहाँ पे आती है और ये फैब्रिक ना भाई बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है, बैठते हैं तो इसके ऊपर में अच्छा सा कंफर्ट जो है यहाँ पे फील होता है।
और यहाँ पे आइडल इंजन ऑन ऑफ का स्विच भी आप लोग को मिल जाता है, लाइट लेवलिंग के लिए दे रखा है, और बड़ा सा डेड पैडल भी जो है ऑटोमेटिक के अंदर मिल जाएगा। बट जो मैनुअल ट्रांसमिशन आता है वहाँ पे आप लोग को डेड पैडल भी इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा। जो इस गाड़ी का आप ये स्टेयरिंग व्हील देख रहे हो लेदर रैप में, इस वाले वेरियंट के अंदर में मिल जाता है, फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं आते हैं। और ये ना भाई पुरानी वाली अपनी जो एक्सयूवी 3 डोर आती थी उससे यहाँ पे चेंज है। इसके ऊपर में म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल है, इसके MID से जुड़े हुए कंट्रोल है, फुली डिजिटल डिस्प्ले भी जो है आप लोग को इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ये TPMS भाई यहाँ पे दिखा रहा है, ये फ्यूल इकोनॉमी है, DF लेवल है क्योंकि डीजल है, और ओ भाई ये तो पूरा स्कॉर्पियन XUV700 जैसा ही है भाई, ये चीज़ ठीक है। व्हीकल इन्फो के अंदर में ये चीज़ आप लोग को इसके अंदर मिल जाएगी, ये नेविगेशन भी यहाँ पे दे रखा है भाई ये X5 में, भाई ये बड़ी बढ़िया चीज़ है यार। ये डिस्प्ले का लेआउट है, और डिस्प्ले लेआउट यार स्कॉर्पियन के अंदर भी नहीं आते, नॉर्मल है, ये इन्फॉर्मेशन वाला है, और ये मिनिमल है। अगर मैं मिनिमल को सेलेक्ट करूँ तो पूरा डायल जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है भाई, बड़ा मस्त है यार, एक नंबर का जो है आप लोग को ये लगने वाला है। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना इसके अंदर में आप लोग को सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी, टेलीस्कोपिंग यहाँ पे नहीं आती है, और हॉर्न सुनो पंप वाला जो है इसके अंदर मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प यहाँ पे मिल जाते हैं, और ऑटो वाइपर भी जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। नई टच स्क्रीन डिस्प्ले भी जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जैसे कि XUV400 के अंदर में आती है, और इसका रेस्पॉन्स ना भाई एक नंबर का आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी जो गाड़ी के अंदर में आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, और ये है इसके जो स्टीयरिंग व्हील है उसके मोड का बटन। इसके अंदर में आप लोग को मोड्स और दिखा देता हूँ भाई मैं, ये आपका कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड आ गया, ये आपका नॉर्मल मोड हो गया, और ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। तीन मोड्स जो हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर मिल जाएंगे, मोड्स मतलब क्या है, स्टीयरिंग व्हील और लाइट और ये टाइट जो है हो जाता है इन मोड्स की वजह से। ड्यूअल जोन भाई ये भी चलो इसके अंदर में से कट होती नहीं की, ये इसका वाकूमंदी तेज करने के लिए दे रखे हैं, और बाकी मेमोरी वाले जो हैं इसके अंदर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं, ये आप लोगों ने किसी और गाड़ी के अंदर नहीं देखे होंगे। ये इसका USB के लिए दे रखा है, वायरलेस चार्जिंग है, ये गियर नोब आप लोग को बिल्कुल सिंपल से ही मिलता है, और जैसे आप गाड़ी की देखोगे ना यहाँ पे लॉक अनलॉक और टेल गेट को ओपन करने के लिए स्विच मिलता है, और जो दूसरी की है इसके अंदर में भी क्या है आप लोग को बटन्स मिल जाएंगे। पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे यूज मिल जाएगा, आर्मरेस्ट जो है आप लोग को लेदर का ही यहाँ पे मिलता है। इसके अंदर में स्पेसिंग बिल्कुल बढ़िया है, IRBM मैनुअल डे नाइट के यहाँ पे मिल जाते हैं, और सनरूफ ना छोटी सी आती है, पैनोरामिक सनरूफ जो है आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलेगी। रीडिंग लैंप्स आप लोग को हैलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी, पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में 6 एयरबैग्स आप लोग को मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर में जो विजिबिलिटी है भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी यहाँ पे आ जाती है। डैशबोर्ड से ऊपर वाली पोजीशन है भाई इस गाड़ी के अंदर में, और फिट एंड फिनिश तो भाई गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छी सी है। नेक्सॉन से कंपेयर करोगे तो भाई उससे तो इस गाड़ी के अंदर में ही लगा लो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि सेफ्टी के अंदर में देखोगे ना सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के अंदर में, तो ये तो या तो फिर ये XUV अपनी 3XO आती है, या फिर अपनी जो टाटा नेक्सॉन है वो आती है, 5 स्टार के अंदर में बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों को ही मैं फिलहाल में कंपेयर कर रहा हूँ फिट एंड फिनिश के मामले में। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे, ये इसके स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सीटों की कुशनिंग हो, सीटों की चौड़ाई हो, वो सब कुछ जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को अच्छे से मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्टर भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। फर्स्ट रो की जो ड्राइवर वाली सीट है मैंने 6 फुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, उसके बावजूद भाई गाड़ी के अंदर में नी रूम बढ़िया है, लेग रूम भी मतलब यूँ अच्छा आप लोग को मिल जाएगा। पीछे की तरफ में एयर का वेंट है, एक सी टाइप सॉकेट है, नीचे की तरफ में 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर्स देखने में। यहाँ पे क्या है हेलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप मिल जाएगा, आर्मरेस्ट भी है 2 ग्लास होल्डर के साथ में। टाटा गाड़ी में क्या है आप आर्मरेस्ट देख रहे हैं, यहाँ की क्वालिटी में ऐसा लगता है कैसे घटिया क्वालिटी का काट रखा है, पर महिंद्रा में ये चीज़ भी आप लोग को बहुत बढ़िया से मिल जाती है। पीछे की तरफ में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और हंपना बिल्कुल इतना सा ही उठा हुआ मिलता है। जो पीछे वाला डोर है ना इसके ऊपर में कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं मिलेगा। पावर विंडो का स्विच है यहाँ पे लेदर है, बाकी हर एक जगह पे हार्ड है, स्पीकर है, और बोतल कैरी करने के लिए होल्डर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और जो डोर हैंडल्स है ना वो आप लोग को सिल्वर फिनिश के साथ में मिल जाते हैं। डीजल इंजन के अंदर में जो ये XUV 3XO 115 PS पावर और 300 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के दे देगी। जाहिर सी बात है जो टॉर्क है आप लोग को डीजल इंजन के अंदर में ही यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, और जो माइलेज है वो भी डीजल इंजन के अंदर में ज्यादा मिलेगी। 21 किलोमीटर पर लीटर की जो है कंपनी इस गाड़ी की माइलेज यहाँ पे क्लेम करती है। फिट एंड फिनिश हो, सेफ्टी हो, चाहे गाड़ी को चलाने का मजा, वो भी आप लोग को सिर्फ महिंद्रा की 3XO के अंदर में ही मिलेगा। तो गाइस ठीक है ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।